Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. Hopefully you are doing well and are preparing for your competitive examination. हम MCQ series जो है वो start किए हुए थे, जहां पर हम आपके exam के related MCQs जो है वो discuss कर रहे हैं. ये MCQs की PDF के लिए जो आप हमारी website www.homeacademy.in पे जो है visit करेंगे. आज हम जो है second part जो है MCQs से जो है लेके आए हैं, जहां पर हम geography के कुछ important कॉमन एमसीक्यू जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो लेके आए हैं. तो ये भी लेवल जो है वो बेसिक ही रहेगा, इसके बाद जो है एडवांस लेवल पे जाएंगे. चलिए पहला क्वेश्चन आपका रिवर से है. द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया इज ऑफ द रिवर. देखिए रिवर बेसिन पे क्वेश्चन आते हैं, हम जानते हैं गंगा जो है इंडिया का जो है लार्जेस्ट रिवर है. अगर सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन अगर इंडिया में पूछा जाता है तो वो गोदावरी होगा. कौन सा होगा? गोदावरी. अब क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, द सेकंड लार्जेस्ट बेसिन इन द पेनिनसुलर इंडिया. अगर पेनिनसुलर इंडिया में होगा तो आपका गोदावरी आंसर नहीं होगा, उस केस में आपका कृष्णा बेसिन जो होगा वो आपका सही आंसर होगा. तो ये दो क्वेश्चन अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गए होंगे. आगे चलते हैं, लेक से जो है वो क्वेश्चन आते हैं. देखिए लेक सांभर इज नियरेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ राजस्थान. अक्सर हम पढ़ते हैं कि लेक सांभर कहाँ पर है, वो राजस्थान में है, इतना पढ़ते हैं. लेकिन उससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं पहले भी लेक्स के एमसीक्यूज में पढ़ा चुका हूँ, पर अब भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि लेक सांभर जो है वो राजस्थान में है. लेकिन अगर क्वेश्चन आता है राजस्थान के किस शहर में है, वो कौन सी सिटी है, नियरेस्ट सिटी, तो वो जयपुर होगा. तो जयपुर के पास में जो है वो लेक सांभर पड़ती है. और आप जानते हैं राजस्थान की जो लेक्स होती है वो साल्टी लेक्स होती है, सांभर लेक भी जो है वो साल्टी है. अब यहीं पर लेक पे एक और क्वेश्चन है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एक और स्टेटमेंट दी गई है, हमारे पास तीन लेक्स है और तीनों की तीनों लेक्स इंपॉर्टेंट है. चिलिका लेक है, पुलिकट लेक है और वेम्बानेंड लेक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर लेगून. इनमें से कौन सी स्टेट जो है वो लेक जो है वो लेगून है. तो आप याद रखेंगे चिलिका लेक भी जो है वो लेगून टाइप है, पुलिकट भी लेगून है और वेम्बानेंड लेक भी जो है ये लेगून टाइप की जो है वो लेक है. अभी आप रिसेंटली एग्जामिनेशन में जो हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार जो है वो पूछा गया है. एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमारे रिवर्स है उनकी ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा. तो सिंपली क्वेश्चन का ये मतलब है कि आपको ट्रिब्यूटरी याद होनी चाहिए. तो हम जानते हैं जो यमुना है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, सोन जो है ये भी ट्रिब्यूटरी है, गोमती भी जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है. लेकिन अगर सतलुज को देखा जाए, सतलुज जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है. देखिए मैंने आंसर जो है हर किसी के साथ इसलिए लिखे हुए हैं ताकि जो है आप ये मेरे लिए आसानी हो और जो है कम टाइम में मैं वीडियो बना सकूं. द मेन रिवर विच फ्लोज इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. हम सभी इसका आंसर जानते हैं कि वो कौन सा मेन रिवर है जो जम्मू एंड कश्मीर से फ्लो करता है. यह हमारा झेलम रिवर है जो पूरे कश्मीर प्रोविंस से जो है वो फ्लो करता है. तो यह यहाँ का मेन रिवर है. सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? मेन रिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिवर फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली. रिफ्ट वैली से कौन सा रिवर जो है वो फ्लो करता है. दिए गए ऑप्शन हमारे पास कावेरी है, नर्मदा है, कोसी है और गोदावरी है. सही आंसर जो होगा वो कौन होगा? आंसर भी होगा नर्मदा रिवर जो है वो फ्लो करता है. आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. विच इंडियन स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ फाइव रिवर्स. वो इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसे कहा जाता है लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, मतलब पांच दरिया जहाँ से बहते हैं. तो पंजाब जो है, यानी कि पंज माने फाइव और आप माने पानी, तो पांच दरिया यहाँ से बहते हैं, ये पंजाब स्टेट है. तो पंजाब स्टेट को कहा जाता है लैंड ऑफ फाइव रिवर्स. वो स्टूडेंट जो मॉक टेस्ट में एनरोल करना चाहते हैं, हम डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे देंगे या आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके जो है इसे जो है बाई कर सकते हैं. यहाँ पर जो है ये स्टॉक असिस्टेंट, वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए, वेटरनरी और फार्मेसी असिस्टेंट के लिए मॉक टेस्ट है, जिसमें आपको दो कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे. इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और ये जो है आपके सिर्फ 100 रुपीज में जो है ये दो टेस्ट होंगे. और वो स्टूडेंट जो एक एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है फॉलोअप करना चाहते हैं, अपने एग्जामिनेशन को जो आपका कमिंग होने वाला है उसे फेमिलराइज होना चाहते हैं, तो इसे जरूर दीजिए. आपकी बहुत अच्छे से जो है प्रैक्टिस होगी. अगर आप कम से कम अपना 50% सिलेबस जो है कंप्लीट कर चुके हैं
और सीरियसली जो है इन एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ रहे हैं। आपका मैथमेटिक्स का वीडियोस भी जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है, रेशियो प्रोपोर्शन का टॉपिक बचा हुआ है जो कि कुछ ही दिनों में जो है वो वीडियोस को जो है वो पब्लिक कर दिया जाएगा आप सभी के लिए। और फिर जो है आपकी परफॉर्मेंस में जो है आप एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आप बाइक करने के लिए जो है हमने इसमें वेबसाइट पर सारी चीज़ें जो है वो दी है, आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो आ चुका है। विच आर द फ्लोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन द विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस। तो वो कौन सा जो है रिवर है वो फ्लो करता है विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में से। सही आंसर होगा आपका नर्मदा रिवर। तो हमारे पास विंध्या रेंज है और यहाँ हमारे पास सतपुरा रेंज है, इनके बीच में से जो है वो हमारा जो है वो नर्मदा रिवर जो है फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फ्लोइंग इज नॉट एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडियन पेनिनसुला। इनमें से जो है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडियन पेनिनसुला, इनमें से कौन सा जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडियन पेनिनसुला का। हमारे पास या तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती है या तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। हम जानते हैं इसमें जो ताप्ती है, नर्मदा है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। महानदी जो होगा वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। परियार रिवर कहाँ का? केरला का रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फ्लोइंग लेक इन इंडिया हैज द हाइस्ट वाटर सैलिनिटी। इंडिया की अगर हम लेक्स को देखें तो कौन सी वो लेक्स है जिसकी हाइस्ट वाटर जो है वो सैलिनिटी है, तो वो कौन सी लेक होगी? वो सांभर लेक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ साल्ट लेक्स इन इंडिया। दिए कि हमारे पास कुछ स्टेट्स है, तो बताइए किस स्टेट में लार्जेस्ट नंबर ऑफ साल्ट लेक्स है इंडिया में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, जैसे कि सांभर लेक कहाँ पर है? राजस्थान में है। और यहीं पर जो है वो राजस्थान में जो है ज्यादातर जो है वो साल्टी लेक्स पाई जाती है। नेक्स्ट इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था विच आर द फ्लोइंग लेक्स इन इंडिया हैज द हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी, तो हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी किस में थी? सांभर लेक में थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है द सॉइल फाउंड बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ब्रॉट बाय रिवर इज। रिवर्स जो है वो अपने साथ सिल्ट लेके आते हैं और ये सिल्ट डिपॉजिट होती है और जो है वो फाइनली सॉइल बनती है। तो इस ये जो सॉइल बनती है वो कौन सी टाइप की सॉइल होगी जो रिवर के डिपॉजिट से बनती है? एलुवियल सॉइल होती है। क्वेश्चन है रेड सॉइल डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू। हम जानते हैं रेड सॉइल जो है उसका कलर जो होता है रेडिश होता है, लेकिन क्वेश्चन है किसका कलर जो है रेडिश क्यों है, उसमें ऐसी क्या चीज होती है? पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ पोटेश इन मैग्नीशिया, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, ए वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन एंशियंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक जैग। तो आयरन के डिपॉजिट की वजह से उसका कलर जो होता है वो रेड होता है। ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू फॉर एलुवियल सॉइल। अब यहाँ पर बेसिकली एलुवियल सॉइल की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो है वो क्वेश्चन है कि जो है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ट्रू नहीं है। पहला दीज वेरी फ्रॉम सैंडी लोमी टू क्ले इन टेक्सचर। क्या ये वेरी करता है एलुवियल सॉइल बीच सैंडी लोमी से क्ले की तरफ? नहीं। दीज आर जनरली रिच इन फॉस्फोरस। तो आप याद रखेंगे एलुवियल सॉइल जो होता है हमेशा फॉस्फोरस में रिच होता है, लेकिन पुअर होती है किसमें? पोटेशियम में। तो यही दो ऑप्शन जो है पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पेटी सॉइल्स के बारे में है। जो पेटी सॉइल जो है कहाँ पर मिलती है? ये यहाँ केरला में मिलती है। पेटी सॉइल्स कहाँ पर मिलेगी? केरला में मिलेगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच आर द फ्लोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो विच आर द फ्लोइंग जो है इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के लिए जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है? वो क्लाइमेट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमर्शियल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कमर्शियल फॉरेस्ट जो है इंडिया में वो कौन सा है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डिसेजियस फॉरेस्ट है, कॉनिफरस फॉरेस्ट है या मैंग्रोव फॉरेस्ट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट जो है कमर्शियल अगर हम पर्पस के लिए देखेंगे तो ट्रॉपिकल डिसेजियस फॉरेस्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमर्शियल फॉरेस्ट जो है वो इंडिया में है। तो आज हम जो है इसे इतने ही क्वेश्चन करेंगे। तो वो स्टूडेंट जो कि टेस्ट में एनरोल करना चाहते हैं और जिन स्टूडेंट से ऑलरेडी जो है टेस्ट बाई कर लिया है, ठीक है, कोई भी इशू रहता है उसमें जो है अगर आपका डाउनलोड नहीं होता है तो ज़रूर हमें कॉन्टेक्ट करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9797501952 पे। तो इसी पे जो है हम यहाँ पर कंक्लूजन करते हैं इस वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।